भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार 10 दिसंबर को पासिंग आउट परेड होने वाली है। इस परेड से एक दिन पहले मुख्य अतिथि में बदलाव हुए हैं। बता दें, आईएमए में प्रशासन के मुताबिक अब पीओपी के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, एवीएसएम, वीएसएम, जीओसीएनसी मध्य कमान होंगे। योगेंद्र डिमरी परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर भी होंगे। पहले भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे बतौर अतिथि परेड में शामिल होने वाले थे। आपको बता दें कि इस बार कुल 344 जेंटलमैन कैंडिडेट पास आउट होकर सेना में बतौर शामिल होंगे। इस बार कुल 344 कैडेट्स में से मित्र देशों के 30 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट होने जा रहे हैं। वहीं 1 अक्टूबर 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी का 90वां गौरवशाली इतिहास है। अकादमी 40 कैडेट्स के साथ शुरू हुई थी। अब अकादमी देश विदेश की सेनाओं को 64,768 युवा अफसर दे चुकी है। इनमें 34 मित्र देशों से 2,724 कैडेट्स भी शामिल है। 1932 में जो है ब्रिगेडियर एलपी कोलंस प्रथम कमांडेंट बने थे। इसमें फील्ड मार्शल सेम मानिकशॉ एवं म्यांमार के सेनाध्यक्ष रहे स्मिथ हैं, के साथ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा भी पास आउट हुए थे। आईएमए ने ही पाकिस्तान को उनका पहला आर्मी चीफ दिया है। एमकेएन की डेस्क रिपोर्ट।